25 नवंबर को बरेली में एक शंखनाद रैली का, शंखनाद महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे केंद्रीय जो सहमंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के और हमारे केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं उसके, वो इसको संबोधित करेंगे। और इसका मुख्य कारण जो है हमारे हिंदू समाज को जन जागरण करना, क्योंकि जो कोर्ट में लंबित मामला था, कोर्ट में कुछ विभिन्न प्रकार के लोगों ने जो आके इसको लंबित करा है, जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो हिंदू भावनाओं को आघात पहुंचाया है, और चूंकि आतंकवादियों की निर्णय लेने के लिए रात को कोर्ट खुल सकती है, हमारे हिंदू समाज का जो मंदिर है, आस्था का प्रश्न है, जो अस्मिता का प्रश्न है, उसके लिए आप जो है निरंतर उसको टालते चले आ रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट है कि निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में होना है। ये सब जानते हुए उसको जो है लंबित करना, और लंबित भी ऐसा वैसा नहीं, खूब लंबे तौर पे उसको आगे बढ़ा देना, और जब कोई आतंकवादी की सज़ा माफ़ करनी हो तो उसी दिन रात को कोर्ट को लगा देना, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में हमने पूरे, हमारे विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में विभिन्न प्रकार से जो अपने लोकसभा क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक शंखनाद रैली का आयोजन किया है। इसका मकसद यह है केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बनाकर, जो कानून बनाकर, इस कानून के माध्यम से जो हमारा राम मंदिर है, भव्य राम मंदिर, राम मंदिर को तो कोई वहाँ से हटा नहीं सकता, कोई ताकत नहीं है दुनिया की उस राम मंदिर को वहाँ से हटा दे, उसकी भव्यता के लिए हमारी लड़ाई है, उसमें एक भव्य मंदिर बने, ऐसी लड़ाई के लिए हम लड़े हैं। और निश्चित रूप से हम दबाव बनाकर, कानून बनवाकर सरकार से इसमें राम मंदिर, हम शीघ्र ही 9 दिसंबर के बाद इसका कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी हमें आशा है। प्रभु राम हमारे इस कार्य को पूर्ण करेंगे, ऐसी हमारा मानना है, और निश्चित रूप से जो कार्य इस प्रकार किए जाते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है, देर मिलती है, दुरुस्त मिलती है, जरूर मिलती है, ऐसा मानना। सभी सांसदों से हमारा ये, उनको चूंकि ज्ञापन दिया जाएगा उस दिन जो शंखनाद रैली होगी, रैली के बाद जो है हम प्रत्येक, जो खासतौर से हम बरेली के बारे में बता रहे हैं, बरेली में जो संबंधित सांसद हैं श्री संतोष गंगवार, उनको हम जो है अपना ज्ञापन देंगे और उन पर ये दबाव बनाएंगे कि अपने केंद्र सरकार पे जाके इसके लिए दबाव बनाएं कि हमको उसका कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करें, और उसके सारी जो कानूनी बाधाएं हैं जब कानून बन जाएगा तो निश्चित रूप से कानूनी अड़चनें सारी दूर हो जाएगी। और इसी प्रकार के कार्यक्रम ये पूरे देश में होंगे, प्रत्येक सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस सांसद को जो है हमें वो ज्ञापन दे के उसके लिए दबाव बनाया जाएगा कि वो जाके अपने सांसद में इसको कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि दबाव है पूरा, दबाव बना के उसको कानून बनाना, कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है तुरंत, विद इन उसी मंथ के लिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये योजना है। 9 दिसंबर को दिल्ली में आखिरी कार्यक्रम, पूरे देश का जो आखिरी कार्यक्रम है 9 दिसंबर में, उसके बाद इस प्रकार के कार्यक्रम ना होकर सीधा सीधा जो है उसकी कानून बना के उसके बिल के रूप में जो हमें जो है उस कार्यक्रम, नहीं तो इसके लिए डेट निर्धारित की गई है या 9 तारीख को तय की जाएगी ना डेट? डेट तो जो इनका वो सत्र होने जा रहा है।